हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। फूड कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। सर्दी का मौसम आ चुका है और इस कड़कड़ाती सी ठंड में अगर चाय के साथ कुछ गर्म गर्म सा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन नाश्ता है, हेल्दी होना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक वड़ी बड़ी की रेसिपी। ये रेसिपी हम पालक से बनाएंगे, बिल्कुल ही बढ़िया सा नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे, जो आप शाम के चाय के साथ या फिर कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व करके बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो पालक बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए एक फ्रेश बड़ी बंच पालक, जिसके पत्ते मैंने निकाल लिए हैं और इन पत्तों को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर रख लिया है। तो ठंड के मौसम में ना पालक को सुपर फूड माना जाता है। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसके वजह से इसे हड्डियों के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी पालक लाभकारी होती है। और सर्दियों में हम बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो पालक स्किन प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। तो चलिए, यहाँ पर पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर रख लिया और इसके सारे बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से धोकर रख लिया है, जिसे अब मैं कट करूँगी इस तरह से। तो जब कभी आप पालक से कुछ भी डिश बनाएं तो याद रखिए कि पालक को हमने पहले धोना है और फिर ही कट करना है। अगर आप कट करने के बाद इसे धोएंगे ना, तो इसके अंदर के सारे न्यूट्रिशंस निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पालक लिया था ना, बिल्कुल ही फ्रेश था, तो एकदम हरा भरा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पालक को बढ़िया सा कट कर रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चटपटा सा मसाला। तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए 6 से 7 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 लहसुन, लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कीजिए, 1 चम्मच जीरा और 1 से 1.5 छोटा चम्मच साबुत धना। अब ये सारे चीज़ें हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक दरदरा सा मसाला पीस लेंगे। तो वो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे पालक में। फिर इसमें जाएंगे कुछ मसाले, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सफ़ेद तिल, जो कि कैल्शियम से भरपूर होती है और ये बड़ी में ना बहुत ही मज़े की लगती है। नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालें, और फिर इसमें डालेंगे अजवाइन इस तरह से क्रश कर। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाता है अजवाइन से। अब ये सारे चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें बेसन भी डालने वाले हैं, लेकिन बेसन बाद में डालेंगे, क्योंकि इस तरह से मिक्स करके बाद ना पालक वाटर रिलीज कर देता है। तो अगर आप बेसन डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे ना, तो आपका बेसन का जजमेंट रेशियो गलत हो सकता है। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें बेसन डालिए। तो यहाँ पर टोटल मैंने 2 कप बेसन का आटा और 1/2 कप चावल का आटा, थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए। चावल के आटे के ऑप्शन में आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और बेसन पूरा मत एक साथ डालिए, थोड़ा थोड़ा कर डालिए, क्योंकि आपको फिर आइडिया आ जाएंगे कि आपको टोटल इसमें कितना बेसन डालना है। तो थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा बैटर अच्छे से बाइंड हो चुका है। इसे मिक्स करते वक्त पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पालक में अपने आप में ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है, तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब हम इसके लंबे लंबे रोल बनाते जाएंगे। तो पूरे पोर्शन को मैं यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और इसके सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से रोल बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे बैटर को 3 रोल में डिवाइड कर लिया है। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो गैस पर पहले से ही मैंने ना 6 से 7 मिनट पहले एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख लिया था, और पानी अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर छन्नी प्लेस करेंगे। छन्नी को अच्छे से हम तेल लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर हमारे जो पालक के रोल्स है इस तरह से प्लेस कर लेंगे। तो छन्नी को आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए, ताकि ना ये ईजिली निकल जाए बाद में। अब जिनके पास स्टीमर है वो इजीली स्टीमर में बना सकते हैं। अब जिनके घरों में स्टीमर नहीं है वो इस तरह से बना सकते हैं। आप कढ़ाई के जगह पे पतीला भी ले सकते हैं। पानी को अच्छे से बॉईल कीजिए और फिर ये इसके ऊपर प्लेस कीजिए। फिर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट के बाद आप इसे अनकवर कीजिए, और आप देख सकते हैं नाइफ डालने के बाद बिल्कुल भी कोई भी पार्टिकल्स इसके ऊपर नहीं लगाए, तो समझ जाइए अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं। आप मेरी नाइफ देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसके ऊपर कुछ भी चिपका नहीं है, यानी ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इसे 1/2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया था। आप देख, 1/2 घंटे होने के बाद ही आप इसे कट करेंगे, वैसे बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे।
अब इन रोल्स की हम वड़ी बनाएंगे इस तरह से कट करते हुए। देख सकते हैं आप, आसानी से कट हो रही है, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है, एकदम अच्छे से स्मूथली इसकी कटिंग हो रही है। वाओ, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल भी वड़ी किधर से भी टूटी नहीं है, किधर से भी चिपकी नहीं है, एकदम अच्छे से ये बन चुकी है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने पहले से गर्म कर कर रख लिया था, अब एक एक कर कर मैं इसमें सारी वड़ी डालते जाऊंगी। तो इसे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाए तब फ्लिप कीजिए और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया नाश्ता मैंने आपको बताया है पालक से, इस तरह से बस बना कर देखिए, सबको बहुत पसंद आएगा और एक वैरायटी भी मिल जाएंगी इस ठंड के मौसम में, चाय के साथ मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही। और फिर हम इसे निकालेंगे, अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं आप देख सकते हैं। वाह, अब इस तरह से जो बाकी के बचे हुए बड़ी थी ना, मैं उसे भी फ्राई कर लूँगी, बहुत यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो बाकी की जो बची हुई वड़ी थी मैं उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। वाह, बहुत बढ़िया लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे ना हरी चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है हमारी क्रिस्पी सी गर्मा गर्म सी पालक की वड़ी, बड़ी जो भी आप कहते हैं, बहुत ही बढ़िया बनी है। अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा तो जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपकी वड़ी कैसी बनी थी। वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसे ही सिंपल इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।